नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। जो बच्ची थी वो अपनी माँ के साथ खेत में थी, ये लोग बकरी चरा रहे थे, और फिर एकदम से वो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद परिजन गए, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया, फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहाँ गए और वहाँ पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है, और जो ये घटना हुई है उस पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। ये तो मैं आपको सिर्फ एक घटना बता रही हूँ। वही भिलवाड़ा में दो दिन पहले एक बच्ची के साथ स्कूल में कुछ लड़कों ने उसकी वाटर बॉटल में पेशाब भर दिया। इतनी घिनौनी घटना, इतनी ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी घटनाएं राजस्थान में बार बार हो रही। कुछ दिन पहले हिंडौन में, करौली में भी एक घटना हुई थी, जो एक बच्ची की लाश कुएं में मिली। उसके बाद जब परिजन रिपोर्ट लिखाने गए तब पुलिस वालों ने कहा कि यहां क्यों आए हो, यहां से जाओ, क्योंकि तुम्हें ही बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में, महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं, आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है, ये NCRB की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। क्या इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, इन महिलाओं ने, ये नाबालिग बच्चियों ने, जो लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। 28 की बात करें, 28 जुलाई की, तो एक दिन में कम से कम 21 घटनाएं रिपोर्टेड घटनाएं थी। इसका जवाब कौन देगा, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इनकी पार्टी की मुखिया प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं सैर करने, घूमने रणथंभौर, लेकिन क्या वो किसी भी परिवारजन को मिलने गई हैं? क्या किसी भी पीड़िता के परिवार को उन्होंने दिलासा दिलाया है? क्या नहीं दिलाया? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या राजस्थान की लड़की लड़की नहीं है, इंसान नहीं है? उनको कौन इंसाफ दिलाएगा?